वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि पिछला वीडियो जो मैं आप लोगों को पढ़ाया था वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छी तरह से मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और बहुत अच्छा फीडबैक भी मुझे मिला है स्टूडेंट्स के तरफ से। कई स्टूडेंट्स ने कहा है, व्हाट्सएप से मुझे मैसेज किया है कि आप लोगों को ये टॉपिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। कई स्टूडेंट्स ने चैनल को भी, अपने एप्लीकेशन को भी डाउनलोड किया है कोचिंग के इंस्टीट्यूट को, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद है। इसी तरह आप अपने कोचिंग को, सावर्ण क्लासेस को प्यार करते रहिए और पढ़ते रहिए। पिछली क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे होता है, आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, किसने किया, कब किया। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको प्रोटॉन का डिस्कवरी पढ़ाऊँ, आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि आप मुझे खोज सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कोचिंग के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर में सावर्ण क्लासेस करके सर्च करेंगे, आप लोगों को ये चैनल, ये जो एप्लीकेशन है सावर्ण क्लासेस, वो अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड कीजिए। सावर्ण क्लासेस एप्लीकेशन पर बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल्स हैं, फ्री टेस्ट सीरीज हैं, उसको ज्वाइन कीजिए। अगर आपको पैकेज कोई परचेज करना है तो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट विथ ऑफर्स, कुछ ऑफर्स भी अवेलेबल हैं, ऑफर्स के साथ आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, कोर्सेज का फ़ायदा ले सकते हैं। उसमें टेस्ट सीरीज़ वगैरह हैं, स्टडी मटेरियल हैं, असाइनमेंट्स हैं, लाइव वीडियोज़ के वीडियोज़ वगैरह हैं, सभी कुछ अवेलेबल हैं अपने एप्लीकेशन सावर्ण क्लासेस में। इसके अलावा आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप से भी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का नंबर है 9473162349 और टेलीग्राम चैनल आप सर्च कर सकते हैं, सावर्ण पब्लिश्ड करके अपना टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे भी आपको बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे चैप्टर के, बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चंस राइज करना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से। केमिस्ट्री का टोटल इन एंड आउट, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल थ्योरी जो भी हो, जहाँ भी दिक्कत हो, आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और इस बात की उम्मीद रखिए कि केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, आप लिटिल बिट मेहनत कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा केमिस्ट्री से। इट इज ए स्कोरिंग सब्जेक्ट, कम मेहनत में ज्यादा नंबर उठता है इस सब्जेक्ट में, तो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। मन लगा के पढ़िए और बढ़िया नंबर से पास कीजिए। तो इस तरह से मैं आप लोगों को आज का क्लास आप लोगों को पढ़ाऊंगा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी कैसे हुआ प्रोटॉन का, इसके बारे में बताएंगे, किसने किया, कैसे किया, कब किया। लेकिन एक बार मैं और कहना चाहता हूं, अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, लगे कि बेनिफिशियल है, अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को मेरे चैनल का फ़ायदा मिल सके। तो इस तरह से आज की बात मैं आप लोगों को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो अब आप लोग पढ़िए कि प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, किसने किया। तो अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। और डिस्कवरी जो प्रोटॉन का किया था वो 1886 में मिस्टर गोल्डस्टीन ने किया था, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। लेकिन इसका एक डिस्कवरी जो था वो इलेक्ट्रॉन के बाद हुआ था। पहले, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का खोज किया था मिस्टर जे जे थॉम्सन ने। और जब जे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया तो फिर लोगों ने सोचा कि जब एटम न्यूट्रल होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज है, तो कैसे न्यूट्रल होता है, इसका मतलब उसमें कोई और भी पार्टिकल होगा। तो कंसेप्ट आया कि एक कोई पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए इसमें, यानी एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम में कोई चार्ज नहीं होता है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। लेकिन पता चला कि इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है जो निगेटिव चार्ज्ड होता है, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए जरूर कोई एक पॉजिटिव चार्ज भी इसके अंदर होगा। और यही जो एजम्पशंस थे वो प्रोटॉन के डिस्कवरी के लिए लोगों को प्रेरित किए, और तब जाकर के मिस्टर गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि आप लोग देख रहे हैं, एक हार्ड ग्लास ट्यूब मिस्टर गोल्डस्टीन ने लिया और इस हार्ड ग्लास ट्यूब को एक वैक्यूम पंप के द्वारा
लो प्रेशर पे कर दिया। इसमें से जितनी भी हवा थी, गैसेस थे, अदर गैसेस, उसको निकाल करके इसमें काफ़ी लो प्रेशर किया गया। अब इसमें दो प्लेट लगा देते हैं, जैसा कि आप लोगों को वीडियो में दिख ही रहा होगा, इसमें हम एक दो प्लेट लगा देते हैं, एक होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। और कैथोड और एनोड लगा करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि आप लोग इलेक्ट्रॉन के खोज में भी पढ़े होंगे। इसको हम लो प्रेशर पर कैथोड और एनोड को एक हाई वोल्टेज बैटरी से हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे ही हम लोग इससे करंट को फ्लो करेंगे तो आप लोग देखेंगे क्या कि एनोड के तरफ से एक इनविजिबल रे निकलता है जो आपको दिखेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि कोई रे निकल रहा है। हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पर जब हम करंट फ्लो करेंगे, एनोड के तरफ से एक रे निकलेगा जो कि आपको पता नहीं चलेगा कि कोई रे निकल रहा है। ये रे एनोड रे होता है जो कि फर्स्ट टाइम पता नहीं चला था कि इसमें से कोई रे आ भी रहा है। जब हम इसमें एक परफोरेटेड कैथोड यूज करते हैं, यानी एक कैथोड, एक प्लेट जिसमें छोटी छोटी बारीक छेदे होती हैं, इसको परफोरेटेड कैथोड प्लेट कहते हैं। और अब जब हम इसमें से करंट फ्लो करते हैं तो करंट उसके आर पार चला जा रहा है, एनोड से एक रे निकल रहा है जो इस छेद को पार करते हुए दूसरी तरफ से चला जा रहा है। लेकिन अभी भी हम लोगों को इस रे के बारे में पता नहीं चलता है कि कोई रे आया। अब इसको एक्सपेरिमेंट समझने के लिए हम लोग अदर साइड में एक जिंक सल्फाइड का कोटिंग कर देते हैं, और जिंक सल्फाइड का जब कोटिंग कर देते हैं और जब हम लोग करंट फ्लो करते हैं तो ये जो जिंक सल्फाइड है ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है। आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे जब एनोड रे पढ़ाए थे कि जिंक सल्फाइड पर जब रे गिरता है ये ग्लो करता है। और नाउ जब जिंक सल्फाइड पे हम लोग रे गुजार रहे हैं तो इसमें से क्या निकल रहा है, ग्लो निकल रहा है। इससे ये प्रूफ हो गया कि एनोड की तरफ से एक क्या आ रहा है, रे आ रहा है। और इस रे का नाम इन्होंने रखा क्या, एनोड रे। कौन सा रे रखा, एनोड रे रखा। अब इस एनोड रे के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को देखने के लिए इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करते हैं। आप देखिए ऊपर की तरफ हम लोग इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगा दिए जो कि निगेटिव चार्ज था। तो देखिए क्या कि एनोड रे ऊपर निगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ मूव कर रहा है। इस बात से ये प्रूफ हो रहा है कि जो एनोड रे होता है वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। नाउ इस एक्सपेरिमेंट में देखिए हम एक मेटालिक ऑब्जेक्ट लगाते हैं और जब एनोड रे को हम लोग डालते हैं, एनोड रे को डालने से इस मेटालिक प्लेट का, मेटालिक ऑब्जेक्ट का एक शैडो बन जाता है अदर साइड। इस बात से ये प्रूफ होता है कि जो एनोड रेज होते हैं वो एकदम स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। तो दो बातें पता चली, एक एनोड रे पॉजिटिव होता है, दूसरा एनोड रे स्ट्रेट लाइन में चलता है। स्ट्रेट लाइन में चलता है ये बात कैसे प्रूफ हुआ, क्योंकि पीछे में आपका क्या बन रहा है, शैडो बन रहा है। जो मेटालिक ऑब्जेक्ट है इसका शैडो बना, इससे ये प्रूफ हो गया कि वो क्या था, वो एक स्ट्रेट लाइन में चलने वाले रे थे। अब उस मेटालिक प्लेट को हटाकर हम एक पैडल व्हील लगा देते हैं और फिर जब हम लोग ऑन करते हैं करंट को, एनोड रे के कारण ये पैडल व्हील जो है वो मूव करने लगा। और आपको पता है कि मूव करेगा कब, जब इससे कोई पार्टिकल टकराएगा। तो इस बात से ये प्रूफ होता है, क्या प्रूफ होता है कि एनोड रे कंसिस्ट मटेरियल पार्टिकल्स, यानी एनोड रे पर मटेरियल भी है, वो एक तरह का पार्टिकल है। तो अब एनोड रे को हम लोग कैनाल रे भी कहते हैं। क्यों कैनाल रे कहते हैं, क्योंकि जो हम लोग प्लेट लगा रहे हैं उसमें छोटे छोटे छेद हैं और उन छेद से होके गुजरता है। दे ट्रेवल फ्रॉम द एनोड टू कैथोड, वो जो एनोड रे है एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं और कैथोड में जो छोटे छोटे छेद हैं कैनाल्स हैं उनको पास करते हैं। इसीलिए एनोड रे को कैनाल रे भी कहा जाता है। दूसरी बात, इसमें मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, ये जो है पार्टिकल्स से बने होते हैं। अगली बात को हम लोग देखते हैं कि जो एनोड रे होते हैं ऑलवेज कॉल्ड कैनाल रे, दे ट्रेवल फ्रॉम एनोड टू कैथोड।
एनोड रे कंसिस्ट मटेरियल पार्टिकल्स एंड द फोर्थ वन इज एनोड रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में चलता है, एंड द फिफ्थ वन एनोड रे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये चार पांच बातें एनोड रे के बारे में पता चली, इनको कैनाल रे कहते हैं, एनोड से कैथोड की ओर स्ट्रेट लाइन में फ्लो करता है, मटेरियल पार्टिकल्स होता है। उम्मीद करते हैं कि आज मैंने आप लोगों को जो भी पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं अपना 100% दे करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी खूब मेहनत करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में और अच्छे नंबर से पास करेंगे। आप लोग टारगेट अपना अचीव कीजिए, आप लोग नीट की तैयारी कीजिए, AI ट्रिपल ई की तैयारी कीजिए, जो भी सब जिस भी जो भी आपका टारगेट है आप उसकी तैयारी कीजिए। जहां भी दिक्कत होगा आई एम हेयर, मैं हूं, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और पहले भी बता चुका हूं आप मुझे मिल सकते हैं, मैं आपको मिल सकता हूं। ये हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, आप बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा होगा, आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। सावर्ण क्लासेस करके अपना चैनल है, इसको जरूर डाउनलोड कर लेना ताकि टाइम टू टाइम जो मैं टेस्ट सीरीज चलाता हूँ आप उसको ज्वाइन कर सकें। जो फ्री स्टडी मटेरियल वगैरह मैं दे रहा हूँ वो आप लोगों को टाइम से मिल सके, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। टाइम टू टाइम ऑफर्स वगैरह भी आते हैं, उसको भी आप अवेल कर सकते हैं, मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो इस तरह से आज का बात यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। अगला टॉपिक का वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आप लोगों के सामने आऊँगा, तो अगला टॉपिक बहुत मज़ेदार होगा और बहुत मज़े से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगले टॉपिक को पढ़ने के लिए न रहें बेकरार, थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा इंतज़ार। समाप्त हुआ आज तक, इंतज़ार करिए कल तक, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए सावर्ण क्लासेस में। गुड बाय।